साई प्रणाम सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। पिपराई थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में मिला 5 वर्षीय बच्चे का शव। 32 ग्राम सभाओं को आदर्श ग्राम सभा बनाने के लिए जिलाधिकारी ने समिताधिकारियों के साथ की बैठक। पुलिस चौपाल के तहत पुलिस अधीक्षक नगर ने कैंट थाने पर लगाई चौपाल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा पुलिस चौपाल के तहत जनपद के विभिन्न 17 स्थानों पर लगाया गया चौपाल। भाई बहन के अटूट रिश्ते, रक्षाबंधन पर्व पर बाजारों में बढ़ी रौनक, रंग बिरंगी राखियां लोगों को कर रही आकर्षित। शाहपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला, हुई मौत। जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए एडीएम वित्त एवं पुलिस अधीक्षक अपराध ने संबंधित विभागों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विशेष सचिव स्टाम्प अनुबंध ने संबंधित अधिकारियों के साथ की लोक लेखा समिति की समीक्षा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गगहा थाने पर लगाया चौपाल। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। एआरएम ने दी जानकारी, कहा रक्षाबंधन पर्व पर 24 घंटे निःशुल्क यात्रा कराएगा रोडवेज। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 79 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। सैजनौ थाना क्षेत्र से गायब 3 बच्चों को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। और शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के तहत मदर टेरेसा फाउंडेशन ने आमजन को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन। पिपराई थाना क्षेत्र के ग्राम मटिहनिया सोमानी के पास गन्ने के खेत में मिले 5 वर्षीय बच्चे के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें गठित की हैं। बाहर आ जाइए, सबको बाहर के लिए और बात छोड़ना। आप लोग निकल जाइए, निकल जाइए, आप निकल जाइए, घर निकल जाइए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, थाना पिपराइच के मटनिया सोमाली गांव में सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक 5 वर्षीय बालक गायब है, जिस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर आया। गांव वालों के सहयोग से जब बच्चे के आसपास तलाश की गई तो एक गन्ने के खेत में बच्चे का शव मिला, जिसपे कि बच्चे के हाथ बंधे थे। शव पे कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और हम मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इसमें तलाश की जा रही है। जी, फिलहाल घर वालों ने अभी कोई किसी का शक जाहिर नहीं किया है किसी पे, और जो भी परिजन तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर इसमें आगे कार्यवाही की जाएगी। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में परफॉर्मेंस ग्रांट से संबंधित बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी ग्राम सचिवों और ग्राम प्रधानों से कहा
कि जनपद में चयनित 32 गांवों को आदर्श ग्राम सभा के रूप में बनाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ऐसे में हमें उन गांवों में वह सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। साथ ही चयनित गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना ही योजना का मुख्य लक्ष्य है। इस दौरान CDO दरजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्राम सचिव, चयनित ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। अवसर दिया गया है ये 32 गांव को आदर्श गांव के रूप में, एक उदाहरण के रूप में पूरे देश के सामने चित्र साथ में मिलकर काम करेंगे, निर्भीक होके, निडर होके, अच्छे मंशा के साथ करेंगे तो सफलता मिलेगी, एक दूसरे का साथ देते करेंगे। 2599 कार्य 32 गांव में शासन से स्वीकृति मिली है, इसे भेजा गया था, वो अनुमोदन हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में बुधवार को पुलिस चौपाल के तहत कैंट थाने पर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार द्वारा चौपाल लगाकर आए हुए फरियादियों से उनकी समस्याओं को जानकर तत्काल उन्हें निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। क्या करना चाहते हैं सबको तो ना, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मजा नहीं आ रहा, और काम सब कुछ है खाने के लिए करना चाहते हैं। कौन सा काम करने में तुम्हारी आप लोग मैं सर दो दिन से चले गए, अगर आपको लगता है कि मैं ये कार्य कर पुलिस चौपाल के तहत जनपद के विभिन्न स्थानों पर राजपत्रित अधिकारियों ने पुलिस चौपाल के दौरान विभिन्न 17 थानों पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। वहीं राजपत्रित अधिकारियों ने क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से यथास्थिति के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, कल रात्रि में पुलिस चौपाल में जनपद के 17 थानों में पुलिस राजपत्रित अधिकारियों ने जाकर जन सुनवाई की और वहाँ के पुलिस स्टाफ से बातचीत की, क्षेत्र का भ्रमण किया और क्षेत्र के बारे में जानकारी की। इसका काफ़ी अच्छा नतीजा आया है और काफ़ी संख्या में लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए, जिनका निस्तारण भी काफ़ी संख्या में हुआ है और साथ ही जो पुलिस बल है उनकी भी समस्याएं सुनी गई और क्षेत्रवासियों की जो समस्याएं हैं ट्रैफिक के लेकर, पुलिस की गश्त को लेकर, पुलिस की चौकियाँ बढ़ाने की संख्या लोगों ने कई जगहों पर डिमांड की, इस पर आगे कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही इसके नतीजे देखे जाएंगे। भविष्य में भी प्रत्येक बुधवार को हमारे जनपद के पुलिस राजपत्रित अधिकारी चुने हुए थानों पर जाकर रात्रि विश्राम करेंगे और रात में वहां रहकर पूर्णतः लोगों की समस्याओं का निस्तारण और पुलिस बल के कार्यप्रणाली की जांच, ये सभी कार्य करेंगे। भाई बहन के अटूट रिश्ते का महापर्व रक्षाबंधन आगामी 22 अगस्त को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रेशम की डोर बांध कर उनसे रक्षा का संकल्प लेंगी। पर्व को देखते हुए बाजारों में रौनक बढ़ गई है, जगह जगह स्टॉल लगाकर रक्षाबंधन की दुकानें सजाई गई हैं। वहीं बच्चों के लिए खास रक्षाबंधन भीम, मोटू पतलू, डोरेमोन, मिस्टर बीन जैसी विभिन्न राखियां भी उपलब्ध हैं, जिनकी खरीदारी भी जोरों पर चल रही है।
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए खरीदारों ने बताया, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, इसीलिए आज शॉपिंग कर रहे हैं। ये साड़ी लिए नहीं है भाई के, अभी देख रहे हैं राखियाँ खूब सुंदर सुंदर हैं यहाँ पे, वही लेने के लिए आए हैं। बड़ी राखी पसंद आ रही है या छोटी राखी? नहीं, सारी राखियाँ बहुत प्यारी हैं, इसमें चूज करेंगे भाई लोगों को कौन सी पसंद है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो शॉपिंग करने आए। उत्साह तो बहुत है, साल में एक ही बार आता है तो ऑफ कोर्स उत्साह तो बहुत रहता है। कौन सी राखी खरीद रही हो, कितनी राखी देखी और कौन सी खरीदा? मैंने तो बहुत सारी खरीदी है, भाई बहुत सारे हैं, कम से कम 25 तो खरीद ही लिए। 25 भाइयों को राखी डालना, मतलब मिला के मेरा और मेरी छोटी बहन का तो 25 तो। बड़ी राखी कोच बोल रहे कि पतली? नहीं, पतली थोड़ी, जो बांधने में थोड़ी सही रहे, क्योंकि वो निकाली नहीं कुछ दिन तक बांध सके, वैसी राखी। अच्छा, ये वैसी राखी जो काफी दिनों तक लोग बांध ले? कम्फर्टेबल रहे बहुत ज्यादा। क्या क्या खोज रही हो, क्या क्या, कैसी राखी खोज रही हो, कैसी राखी खोज रही है? पतली की बड़ी वाली? पतली। क्यों, बड़ी वाली तो अच्छी लगती है। बड़ी वाली भी, दोनों। कितने भाई को बांधना है, कितनी तैयारियां की? मिठाई बहुत सारे भाई हैं। मिठाई उठाई खिलाओगी? क्या नाम है? तनिष्का। शाहपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में पति द्वारा अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। इस संबंध में शाहपुर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, शाहपुर में आज सुबह एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने प्रथम दृष्टया शक के आधार पर पति को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में बताया कि पति पत्नी दोनों में विवाद था, पैसों की बात को लेकर और अन्य विवाद को लेकर, जिस पर कि काम पर जाते हुए महिला को रास्ते में पति ने चाकू मारकर हत्या की। इस पर पुलिस परिजनों की तरफ से मुकदमा दर्ज करवा कर साक्ष्य संकलन कर पति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध के लिए पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में नारकोटिक्स सहित अन्य संबंधित मादक पदार्थों की रोकथाम में लगे टीम के सदस्यों के साथ एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बैठक की। बैठक के दौरान मौजूद टीम के सदस्यों से संबंधित अधिकारियों ने कहा कि मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए रणनीति तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे जनपद में मादक पदार्थों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा सके। जो बीच में इलीगल कल्टीवेशन है तो उसके स्पॉट से रखना, कैडा भी जो जैसे अगर पुलिस को किसी भी थानेदार को मालूम चल जाता है कि ऐसा कुछ है तो पटाक्ष उस पे कार्रवाई कर देता है। हां, वही तो कह रहा हूं, इंग्लिश कम से और इंफॉर्मेशन दो, कोई दूसरे को शेयर करें, प्लस कोई समस्या है सहयोग करने के लिए कोऑर्डिनेशन राइट टू बताएंगे हमारे ट्रक वाले जो हमारे यहां टीम आपकी जानकारी में है। वो कौन सा मना दिया जो लगे तो नार्कोटिक्स में तो आएगा ना, वो एनडीपीएस में केस हुआ सर उसमें। रेड पड़ी थी जो सीमा सुरक्षा बल है और रेड किया था, जिसमें बहुत भारी मात्रा में जो नार्कोटिक ड्रग्स होती है जो अनारक्स में आती हमारे यहाँ नींद की दवाएं हैं। और कौन सा ड्रग का बेसिकली आप नाम बता सकते हैं? अल्प्राजोलाम, मिडाजोलाम, कोडीन थी। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विशेष सचिव स्टैंप अनुबंध ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ लोक लेखा समिति की बैठक की और सभी संबंधित कार्यों से कहा कि ऑडिट कराकर लेखा विभाग को जल्द से जल्द सूचित किया जाए। इस दौरान DIG स्टैंप अनुबंध डॉक्टर KP पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आगे बात तो ये थी जो यथावि
अभिवक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में चलाए जा रहे पुलिस चौपाल अभियान के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा बुधवार की देर शाम गगहा थाने पर चौपाल लगाकर थाने पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सर कर उन्हें जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। अपने भावनाओं को तो कुछ देर बाद आदमी कई बार घर जाता है, उसके बाद याद आता है उसको यार ये बात तो मैंने कही नहीं, या ये बात मुझे ऐसे बतानी चाहिए थी, या मेरे गांव में इनकी समस्या है, इनको ले जाते हैं, कप्तान साहब आज रुके हैं तो मैं कप्तान साहब से मिलवाई देता हूँ इनको। तो ये इसीलिए हमने आज इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है और हर बुधवार की शाम को इस प्रकार से आपके थाने में कोई ना कोई अधिकारी बुधवार शाम को आएगा। जनपद में 28 थाने हैं और 17 अधिकारी हैं, तो 17 में से अगर एक दो कहीं काम से बाहर भी रहते हैं तो 15 अधिकारी, कम से कम 50% थाने हर बुधवार को कोई ना कोई अधिकारी रुकेगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में फोटोग्राफरों ने रक्त देकर आम लोगों को जीवन को सुरक्षित करने का संकल्प किया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के यादव ने बताया। जी, आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदाता आए हुए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और रक्तदान शुरू हो रहा है। आम जनमानस से रक्तदान के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह यहाँ आए और रक्तदान करें? देखिए, 18 से 65 साल का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, महिला या पुरुष, रक्तदान कर सकता है और उसके एक रक्तदान से 4 जिंदगियाँ बचती हैं। स्वस्थ पुरुष को आकर के स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करना चाहिए और समाज में जूझ रहे थैलीसीमिया के मरीज, गंभीर रोगी, जननी सुरक्षा और अन्य गंभीर रोगी के मरीजों को उनका सहायता करनी चाहिए। शासन के निर्देश के क्रम में रक्षाबंधन पर्व पर 24 घंटे निःशुल्क रोडवेज बस की यात्रा के निर्देश के क्रम में जनपद गोरखपुर से गोरखपुर डिपो बस स्टेशन से यात्रा का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिया जाए, इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ARM महेंद्र पांडे ने बताया। गोरखपुर ही नहीं, पूरे स्टेट में शासन सत्ता की मंशा यही है कि 24 घंटे हम माताओं और बहनों फ्री में यात्रा करें
यह 22 को रक्षाबंधन है, 21 के 12 बजे रात्रि से लागू होगा और 22 के 12 बजे रात्रि को ये 24 घंटे जी। गोरखपुर में रक्षाबंधन का त्यौहार है, भीड़ भाड़ होगी महिलाओं की, उसके लिए क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, हर समय हर सड़क पर बसें हम उपलब्ध रहेंगे। सर लगभग इसके लिए क्या एक्स्ट्रा कुछ बसें भी लगाई जाएंगी? नहीं, इसी में हम जब लंबी संचालन नहीं होगी तो वही मतलब पास अतिरिक्त हो जाएंगे। एसी तक की यात्रा अगर कहा जाए तो एसी बसों तक की यात्रा है कि केवल? नहीं, अभी तो साधारण के लिए, अभी साधारण ही। जनपद में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को भी जनपद के विभिन्न 79 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। हमारे ज़िले में 79 जगहों पर आज वैक्सीनेशन चल रहा है और सभी जगह वैक्सीन समय से उपलब्ध हो गई है, वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। इधर हम दो दिन पहले हमने 50,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन एक दिन में किया था। हमारा एवरेज वैक्सीनेशन जो है 20,000 के आसपास का है। आज भी हमें 20,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन करना है तो हम वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हो रहा है। करीब 16 लाख तक का डोज हमारे पास हो गया जो हम वैक्सीनेशन करा चुके हैं। सजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम लुईची से 17 अगस्त को गायब हुए 3 बच्चों को सजनवा थाने की पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा, जिस पर परिजनों ने पुलिसकर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए क्षेत्र अधिकारी कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह ने बताया। 2021 को दोपहर करीब 11:30 बजे लुचुई से 3 बच्चे जिनके नाम दीपू, सिद्धार्थ व रुद्र थे, घर से खेलते हुए चले गए थे। इनके परिजनों द्वारा थाने पर सूचना दी गई, जिस पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत आदेश दिया गया कि तत्काल टीमें गठित कर इनकी तलाश की जाए, जिसके अनुपालन में थाना सजनवा पर 3 टीमें गठित की गईं और हम लोगों के निर्देशन में लगातार टीमें तलाश करती रहीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संबंध में सूचना देने वाले को ₹25,000 का इनाम भी घोषित किया गया, जिसके फलस्वरूप टीमों के अथक परिश्रम के कारण आज दोपहर में गीदा थाना क्षेत्र के ग्राम देहीपार के निकट उन 3 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है और उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम के सहयोग से मदर टेरेसा फाउंडेशन की तरफ से शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए नुक्कड़ नाटक कर आम जनमानस से अपील की गई। वहीं लोगों को यह भी बताया गया कि गंदगी से किन किन तरीके की बीमारियां होने का डर बना रहता है। Yeah.
दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। उपराई थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में मिला 5 वर्षीय बच्चे का शव। 32 ग्राम सभाओं को आदर्श ग्राम सभा बनाने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधितों के साथ की बैठक। पुलिस चौपाल के तहत पुलिस अधीक्षक नगर ने कैंट थाने पर लगाई चौपाल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा पुलिस चौपाल के तहत जनपद के विभिन्न 17 स्थानों पर लगाया गया चौपाल। भाई बहन के अटूट रिश्ते, रक्षाबंधन पर्व पर बाजारों में बढ़ी रौनक, रंग बिरंगी राखियां लोगों को कर रही आकर्षित। शाहपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला, हुई मौत। जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए एडीएम वित्त एवं पुलिस अधीक्षक अपराध ने संबंधित विभागों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विशेष सचिव स्टाम्प अनुबंध ने संबंधित अधिकारियों के साथ की लोक लेखा समिति की समीक्षा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गढ़ा थाने पर लगाया चौपाल। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। एआरएम ने जानकारी, कहा रक्षाबंधन पर्व पर 24 घंटे निःशुल्क यात्रा कराएगा रोडवेज। सीएमओ ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 79 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। सैजनवा थाना क्षेत्र से गायब 3 बच्चों को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। और शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के तहत मदर टेरेसा फाउंडेशन ने आमजन को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।